हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइज, गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे FYP नियो बैंक एप्लीकेशन के बारे में। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो कि है खासकर टीनेजर के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी अगर आपका एज 18 साल से कम है तो ये जो ऐप है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसी एप्लीकेशन के जरिए में आप लोगों को जो कि है प्रीपेड डेबिट कार्ड का मज़ा भी मिल जाता है। पता नहीं भैया, ये डेबिट कार्ड आप लोगों को वर्चुअल या फिर फिजिकल तौर पर मिलेगा वो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो पर मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का कम्प्लीट से बताऊंगा और इस ऐप के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, हालांकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देख के रखा हूं, तो आप लोग उस लिंक के थ्रू भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को आगे उसका प्रोसेस बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनुराज और आप लोग देख रहे हैं माय मॉनिटर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिए, उसके बाद ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है, मतलब FYP का जो कॉम्बिनेशन है, जो लुकिंग इंटरफेस है, मतलब ओपनिंग के टाइम जो इंटरफेस आता है वो देखने के लिए काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर हम लोग नीचे एरो वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारा ऐसे चीज़ें बताया गया है। मतलब यहाँ पर जो डेबिट कार्ड आप लोगों को मिलेगा वो इंटरफेस देख के लग रहा है कि ये जो कि है आप लोगों को वर्चुअल एंड फिजिकल तौर पर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को कार्ड स्वाइपिंग करने का जो कि एक इमेज एक इंटरफेस शो हुआ है। अभी हम लोग चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इस जगह पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर हम लोग फिर से क्लिक करते हैं और अभी इस जगह पर क्रिएट अकाउंट पर आप लोगों को जो कि है क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास अभी कुछ भी अकाउंट नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लिक अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को जो कि सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर देना रहेगा। तो चलिए भैया, यहाँ पर हम लोग फटाफट से हमारा मोबाइल नंबर को एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट OTP ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किए हैं उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आप लोग जो कि OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद नीचे जो वेरीफाई नाम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। भैया, हमारे पास OTP आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर फटाफट से OTP को एंटर कर दिए। अभी वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और कुछ इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है और हमारा मोबाइल नंबर जो कि वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और इस जगह पर अगर आपके पास कुछ रेफरल कोड है तो आप लोग इस जगह पर जो कि अपना रेफरल कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन पर और स्क्रीन पर एक रेफरल कोड शो हो रहा है, आप लोग उसी रेफरल कोड को जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई यहां पर कुछ बेनिफिट मुझे भी होगा। रेफरल कोड एंटर करने के बाद आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अभी जगह पर आप लोग जो कि अपना फर्स्ट नेम, उसके नीचे जो कि अपना लास्ट नेम और उसके नीचे है अपना डेट ऑफ बर्थ, आप लोग ये जो कि पूरा का पूरा डिटेल जो कि है सही ढंग से एंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू नाम का जो ऑप्शन है नीचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये जो पूरा का पूरा डेटा है सही तरीके से फिल कर लेते हैं। दोस्तों, हमने पूरा डेटा एंटर कर दिया। अभी इस जगह पर एनरोल नाउ ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो कि वेट लिस्ट पर ज्वाइनिंग करना रहेगा। तो चलिए हम लोग एनरोल नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अभी इस जगह पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर स्पिन नाउ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग चलिए एक स्पिन को ही कर लेते हैं और देखते हैं स्पिन नाउ पर क्या कुछ मिलता है। और हम लोग यहाँ पर एक स्पिन काट रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं मिला है। चलिए हम लोग देखते हैं और स्पिन नहीं होगा, हम लोग बैक आते हैं और अभी इस जगह पर प्ले नाउ ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं परमिशंस को। और इस जगह पर कुछ कॉइन वगैरह अमेज़न बहुत सारा चीज़ें बताया गया है, मतलब यहाँ पर कुछ गिव अवे वगैरह हो रहा है, यहाँ पर गिव अवे पर कैसे पार्टिसिपेट करना रहेगा वहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम लोग डाउनलोड इंस्टा जगह पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग जो कि आप लोग चाहे तो गिव अवे पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बैक आते हैं। और अगर आप लोग चाहे तो इसके इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइनिंग हो सकते हैं। और अभी इस जगह पर हम लोगों ने जो कि वेट लिस्ट पर ज्वाइनिंग कर लिए और थोड़ा बैक आके देखते हैं कि क्या होता है। मतलब अभी अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले इसका जो कि वेट लिस्ट पर ज्वाइनिंग करना रहेगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर लिए है। और इंस्टाग्राम पर हम लोग चलते हैं और इंस्टाग्राम पर देखते हैं इसी नया जो FY वॉलेट है इसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करना रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको फॉलो कर लेते हैं और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देख के लग रहा है यहाँ पर हम लोगों को वर्चुअल एंड फिजिकली दोनों प्रकार का कार्ड मिलेगा। हालांकि कार्ड का बहुत सारा पीक यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर हम लोग तो आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने बस इसका वेट लिस्ट को ज्वाइन कर लिया है। फिर भी मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को और एक बार ओपन करके देखता हूँ कि आखिर लॉगिन हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों ने जो कि है
सबसे पहले वेट लिस्ट पर ज्वाइनिंग करना रहेगा। तो हम लोगों ने जो कि है वेट लिस्ट पर ज्वाइनिंग कर लिए हैं, अभी देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। सो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से लोडिंग हो रहा है। मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो कि सबसे पहले वेट लिस्ट पर ज्वाइनिंग करना ही रहेगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पर वेट लिस्ट पर फिलहाल ज्वाइनिंग कर लिए। और इस जगह पर बहुत सारे ऐप के बारे में बताया गया है कि आप लोग कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और क्या कुछ मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, टैक्स रहेगा। और इस जगह पर आप लोग अपना बिल को भी स्पिल कर सकते हैं, शॉपिंग का भी मज़ा मिलेगा, रेफरल्स का भी मज़ा मिलेगा। लेकिन हम लोग अभी कुछ मज़ा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग वेट लिस्ट पर हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो पर आप लोग कैसे इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करेंगे और कैसे वेट लिस्ट पर ज्वाइनिंग करेंगे इसके बारे में मेरे तरफ से जितना हो सके जानकारी आप सबके साथ शेयर कर दिया हूँ। फिर भी कुछ डाउट या फिर कुछ जानकारी अधूरा रह जाता है, आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो कैसे बात फॉलोने में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर का नया संदेश और कमाल है। प्लीज़ गाइज बाय।